तो यार देखो, अगर आप में से कोई अगर ग्वेन का रियल फैन है तो उसने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि पहले ग्वेन की मैना पावर्स का कलर ब्लू था, पर बाद में यही पावर्स पिंक कलर में बदल दिए जाते हैं, और बेंटेन 1000 में तो यही पावर्स ऑरेंज रंग का होता है। तो आखिरकार बार बार ग्वेन की मैना का रंग क्यों बदला गया, पता लगाएंगे आज इसी वीडियो में। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो यार देखो, ग्वेन ने अपनी मैना पावर्स का पहली बार यूज करना तब सीखा था जब जाम कैस्टर ग्वेन से अपनी बॉडी को बदल लेती है, और इसी के बाद से ग्वेन अपनी मैना पावर्स का यूज करना धीरे धीरे मैजिक के साथ सीखती है, जादुई किताब की मदद से जो जाम कैस्टर की होती है। पर जब ग्वेन ने अपनी मैना पावर्स का यूज करना शुरू किया था तब इन मैना पावर्स का कलर ब्लू था, और वो ब्लू इसलिए था क्योंकि तब ग्वेन अपनी मैना पावर्स का यूज सही तरह से नहीं कर पाती थी। और अगर कोई मैना पावर्स का यूज सही से नहीं कर पाता है तो वो मैना पावर्स एक प्योर मैना नहीं होता है, और इसीलिए उस मैना पावर्स का कलर ब्लू था, और ये मैना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होता है। पर जैसे जैसे ग्वेन ने जादुई किताब को पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे ग्वेन ट्रेंड होती चली गई, और एक वक्त ऐसा आ गया था जहाँ ग्वेन अपनी प्योर मैना का यूज करना सीख चुकी थी, और वो टाइम था बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एजेंट का, जहाँ हमने पहली बार ग्वेन को उसकी मेन मैना पावर्स के साथ देखा था जिसका कलर पिंक था, जहाँ वो बहुत आसानी से अपनी मैना पावर्स का यूज करती है और इस बात को एजमत भी ऑब्जॉर्व करता है, और वो ग्वेन को बताता भी है, पर ग्वेन उस वक्त ये बात समझ भी नहीं पाती है। किस चीज से ओवरलोडेड, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? इसके बाद एलियन फोर्स में तो ग्वेन अपनी मैना पावर्स का यूज इतने अच्छे तरह से कर पाती है कि ग्रैंडमा बर्डोना भी ग्वेन की तारीफ करती है, जो कि खुद एक एनोडाइट हैं। और यहाँ ग्वेन हमें कई बार अपने एनोडाइट फॉर्म में भी दिखाई देती है, जो काफी आसानी से अपनी मैना पावर्स का यूज कर पाती है। तो ये तो थी ग्वेन की मैना का ब्लू से पिंक में बदलने का राज। पर यहाँ एक बात और जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिस ग्वेन को हमने बेंटन क्लासिक के फ्यूचर में देखा था जिसकी मैना पावर्स ऑरेंज कलर की थी, वो ग्वेंडोलिन एक अल्टरनेट टाइमलाइन की ग्वेंडोलिन होती है, और इसीलिए उसकी मैना के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। पर क्या पता उस अल्टरनेट टाइमलाइन में भी कोई हीरो टाइम यूट्यूब चैनल हो जिसे इस बारे में पता हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ खत्म होती है ये वीडियो, तो आप मुझे कॉमेंट में ये बताना कि आपको बेंटन सीरीज की सभी ग्वेंडोलिन में से कौन सी ग्वेंडोलिन का कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं आपसे अब फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।